Hi everyone, if you have not subscribed to my channel yet, please do subscribe. आज आप ये डिश देखकर खुद गैस करिए कि आज मैं आपके लिए कौन सी नई रेसिपी लेकर आई हूँ. आपने ये डिश देखकर सही अंदाज़ा लगा लिया है कि ये बेसन और दही वाली कढ़ी है, पर इसमें नया क्या है आप यही सोच रहे होंगे. तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें नया क्या है. जैसा कि आप जानते हैं कि अभी आम का सीज़न चल रहा है, तो क्यों ना इस दही और बेसन वाली कढ़ी को भी एक नया ट्विस्ट दिया जाए आम के साथ. अगर आप बेस्वाद खाना खा खा कर बोर हो गए हैं, तो आप एक बार इस मैंगो कढ़ी को ज़रूर ट्राई करिए. ये बहुत ही चटपटी और टैंगी फ्लेवर वाली, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार होने वाली बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है. इट्स वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस. ये मैंगो कढ़ी कुछ हद तक गुजराती फैजतो, यानी कि जो गुजराती मैंगो कढ़ी है, उसी से मिलती जुलती रेसिपी है. लेकिन गुजराती मैंगो कढ़ी में हम लोग राइप मैंगो का यूज़ करते हैं, पर मैंने इस मैंगो कढ़ी में रॉ मैंगो का यूज़ किया है, यानी कि कच्ची कैरी का. चलिए तो अब टाइम वेस्ट न करते हुए हम झटपट बनाना शुरू करते हैं मैंगो कढ़ी. इसके लिए मैंने एक रॉ मैंगो लिया है, यानी कि कच्ची कैरी, उसके छोटे छोटे पीसेस करके मिक्सर जार में डाल लिया है. हम इसे बिना पानी ऐड किए हुए पीस लेंगे, यानी कि हम इसकी प्यूरी बना लेंगे. अब एक पैन में 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश दही ले लेंगे और हम इसमें 1 टेबल स्पून बेसन ऐड कर लेंगे. इस कढ़ी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा दही खट्टा हो, आप फ्रेश दही भी ले सकते हैं. इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और नमक अपने स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे और लगभग 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, वो भी हम इसमें ग्रेट करके ऐड कर देंगे. अदरक इस कढ़ी के लिए मस्ट है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें. अब हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बहुत ही फाइन चॉप्ड करके या बहुत ही फाइन कट करके ऐड करेंगे. और अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकती हैं. वैसे तो इस कढ़ी में बहुत ही कम स्पाइसेस यूज़ होते हैं, लेकिन जितने भी यूज़ होते हैं उन सबका अपना एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर निकल कर आता है, जो इस कढ़ी के स्वाद को डबल कर देता है. अब जो हमने कच्ची कैरी की प्यूरी बनाई थी, उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे. अब हम सारे स्पाइसेस को दही और बेसन में आम की प्यूरी के साथ बहुत अच्छे से विस्क कर लेंगे. अभी हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, पहले विस्क कर लेंगे ताकि बेसन में लम्स ना पड़े, उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे. मैंने इसमें लगभग 2 कप पानी ऐड किया है. पानी ऐड करके हम इसे एक बार फिर से अच्छे से विस्क कर लेंगे. मुझे इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी बहुत थिक लग रही है, इसीलिए मैंने इसमें 1/2 कप पानी और भी ऐड किया है. आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग पानी कम या ज़्यादा कर सकती हैं. सब कुछ मिक्स करके आइए अब हम इसे गैस पे बॉयल करने के लिए रख देते हैं. हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही बॉयल करना है और बॉयल करते समय हमें लगातार स्पैचुला से इसे हिलाते रहना है, क्योंकि हमने इसमें नमक पहले से ही ऐड कर दिया है. कभी कभी नमक पहले से ही ऐड करने से दही फट जाती है, इसीलिए अगर आप चाहें तो आप नमक बाद में ऐड करें. मैंने पहले ऐड किया है, इसीलिए इसे लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है. पहले तो हम कढ़ी को मीडियम फ्लेम पर ऑलमोस्ट 8 से 10 बॉयल आने तक हम कढ़ी को कुक होने देंगे और उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे. और हाई फ्लेम पर भी हमें कढ़ी में कम से कम 8-10 बॉयल लगवाने हैं, ताकि बेसन बहुत अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि हमने इस कढ़ी में बेसन को कच्चा ही मिलाया है दही में, भूना नहीं है पहले, इसीलिए कभी कभी बेसन की रॉ स्मेल रह जाती है कढ़ी में. इसीलिए हमें इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से कम 20-25 बॉयल आने तक उबालना है. देखिए अब
हमारी मैंगो कड़ी ऑलमोस्ट तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल सही है। अब बस हमें इसे एक अच्छा सा तड़का लगाना है। आप इस समय कड़ी का टेस्ट चेक कर सकते हैं, आपको इसमें स्पाइसेस या सॉल्ट जो भी कम ज़्यादा लग रहा हो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसे मैनेज कर सकते हैं। और अगर ये बहुत ज़्यादा टैंगी लग रही हो तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे तड़का लगाएंगे, जिसके लिए मैंने एक स्मॉल पैन मीडियम फ्लेम पर रखा है, जिसमें 2 से 3 टीस्पून मैंने प्योर घी लिया है। आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल भी ले सकती हैं, जिसमें 1/2 टीस्पून जीरा ऐड किया है और 1 टीस्पून सरसों के दाने हैं यानी मस्टर्ड सीड्स, और 2 से 3 सूखी खड़ी लाल मिर्च हैं, 8 से 10 पत्ते करी लीव्स के हैं और 1/4 टीस्पून एसोफटिडा यानी कि हींग ऐड करें। हींग और जिंजर इस कड़ी के दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट हैं, दोनों को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अब हम इस तड़के में लास्ट में 1/2 टीस्पून रेड कश्मीरी चिली पाउडर ऐड कर लेंगे, जो कि इस तड़के को एक बहुत अच्छा कलर देगा। आइए तो बस ये तड़का हम कड़ी में पलट देते हैं। बस देखिए अब हमारी मैंगो कड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे आप रोटी या राइस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर घर में कभी प्याज टमाटर ना हो और कुछ समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए तो आप एक बार इस मैंगो कड़ी को ज़रूर ट्राई करिए और फिर मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी, ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही क्विक इजी और इनोवेटिव रेसिपीज़ ला सकूं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।